अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जाफर सर सी क्लास जे ई सी जाफर सर की ई क्लास जे ई सी में आपका इस्तकबाल है स्वागत है वेलकम खुशामदीन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड सेथ डे थ्री एक्टिविटी नंबर थ्री टाइटल फन एंड गेम्स विथ तारा नंबर टू लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स reads aloud using proper pause pace and volume read silently with comprehension reads to seek information from notice board charts tables and other graphic presentation number 3 learning activity experience रीड द चार्ट एंड फ्रेम एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड फ्रेम एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन ये जो चार्ट दिया गया है इसे हमें पढ़ना है और पढ़ कर इससे जितने ज़्यादा जुमले बन सकते हैं वो इन्हें बनाना है अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में दो कॉलम दिए गए हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन में हम देखते हैं आई एम यानी मैं हूँ ही इज़ वो है शी इज़ वो है वी आर हम हैं यू आर तुम हो या आप हैं दे आर वो हैं बॉयज़ आर लड़के हैं गर्ल्स आर लड़कियाँ हैं अब हम देखते हैं पार्ट नंबर टू का जो कॉलम है उसमें लिखा गया है स्माइलिंग मुस्कुरा रहा रही रहे रीडिंग पढ़ रहा रही रहे स्विमिंग इन अ टैंक यानी टैंक में तैर रहा रही रहे प्लेइंग विथ द बॉल यानी गेंद से खेल रहा रही रहे लॉफिंग हंस रहा हंस रही हंस रहे क्राइंग रो रहा रो रही रो रहे ड्राइविंग ड्राइंग उतार रहा उतार रही उतार रहे राइटिंग लिख रहा लिख रही लिख रहे ऐसे इसके मीनिंग होते हैं अब नीचे जो दिया गया है डैश डैश उसमें हम कोई भी यानी दूसरा लफ्ज़ दूसरा वर्ब ले सकते हैं जैसा कि रनिंग दौड़ रहा दौड़ रही दौड़ रहे सिंगिंग गा रहा गा रही गा रहे इस तरह से अब हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ पर जो दिया गया है जो पहला बॉक्स है रेड कलर का उसमें लिखा गया है नंबर वन वी आर स्माइलिंग यानी हम मुस्कुरा रहे हैं उसके बाद जो दिया गया है वॉयलेट कलर में शी इज़ स्माइलिंग वो मुस्कुरा रही है उसमें स्काई ब्लू में लिखा गया बॉक्स में लिखा गया है यू आर स्माइलिंग तुम मुस्करा करा रहे हो अब उसमें इस तरह से हमें यानी सेंटेंस बनाना है अब सब में नीचे हम आ जाते हैं रेड बॉक्स में तो उसमें लिखा गया है आई एम स्माइलिंग यानी आई एम से ये पूरे पार्ट वन का आई एम लेकर पार्ट टू के पूरे जो दिए गए हैं वर्ब उसे यानी लिखे गए हैं जैसा कि आई एम स्माइलिंग मैं मुस्कुरा रहा हूँ आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ आई एम स्विमिंग इन अ टैंक यानि मैं टैंक में तैर रहा हूँ आई एम प्लेइंग विद द बॉल यानी मैं बॉल से खेल रहा हूँ आई एम लाफिंग मैं हंस रहा हूँ आई एम क्राइंग मैं रो रहा हूँ आई एम ड्राइंग मैं ड्राइंग उतार रहा हूँ आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूँ आई एम सिंगिंग मैं गा रहा हूँ उसी तरह नेक्स्ट uh, जो बॉक्स है डार्क ब्लू उसमें लिखा गया है ही इज के ही इज़ स्माइलिंग वो मुस्कुरा रहा है ही इज़ रीडिंग वो पढ़ रहा है ही इज़ स्विमिंग इन अ टैंक वो टैंक में तैर रहा है ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल वो गेंद से खेल रहा है ही इज़ लॉफिंग वो हंस रहा है ही इज क्राइंग वो रो रहा है हीज़ ड्राइंग वो ड्राइंग uh, उतार रहा है ही इज़ राइटिंग वो लिख रहा है और अगर हम आखिरी में सिंगिंग लिखते हैं तो ही इज़ सिंगिंग वो गा रहा है शी इज़ स्माइलिंग लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि शी इज़ स्माइलिंग का अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मतलब इस तरह से होगा शी इज़ स्माइलिंग वो मुस्कुरा रही है शी इज़ रीडिंग वो पढ़ रही है शी इज स्विमिंग इन टैंक वो टैंक में तैर रही है शी इज़ प्लेइंग विद द बॉल वो बॉल से खेल रही है शी इज़ लॉफिंग वो हंस रही हैं शी इज़ क्राइंग वो रो रही हैं शी इज़ ड्राइविंग वो ड्राइविंग ड्राइंग uh, उतार रही है शी इज राइटिंग वो लिख रही है शी इज सिंगिंग वो गा रही है उसके बाद वी से अगर हम देखते हैं वी आर वी आर स्माइलिंग हम मुस्कुरा रहे हैं वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं वी आर स्विमिंग इन अ टैंक हम टैंक में तैर रहे हैं वी आर प्लेइंग विद द बॉल हम गेंद से खेल रहे हैं वी आर लॉफिंग हम हंस रहे हैं वी आर क्राइंग हम रो रहे हैं वी आर ड्राइंग हम ड्राइंग उतार रहे हैं वी आर राइटिंग हम लिख रहे हैं वी आर सिंगिंग हम गा रहे हैं उसी तरह यू से हम देखते हैं तो यू आर स्माइलिंग तुम मुस्कुरा रहे हो यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो यू आर स्विमिंग इन अ टैंक तुम टैंक में तैर रहे हो यू आर प्लेइंग विद द बॉल तुम गेंद से खेल रहे हो यू आर लॉफिंग तुम हंस रहे हो यू आर क्राइंग तुम रो रहे हो यू आर ड्राइंग तुम ड्राइंग उतार रहे हो यू आर राइटिंग तुम लिख रहे हो यू आर सिंगिंग तुम गा रहे हो दे आर से अगर हम देखते हैं तो इस तरह से बनेंगे दे आर स्माइलिंग वो मुस्कुरा रहे हैं दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं दे आर स्विमिंग इन द टैंक वो टैंक में तैर रहे हैं दे आर प्लेइंग विद द बॉल वो गेंद से खेल रहे हैं दे आर क्राइंग वो रो रहे हैं सॉरी uh, उससे पहले लॉफिंग है दे आर लॉफिंग वो हंस रहे हैं दे आर क्राइंग वो रो रहे हैं दे आर ड्राइंग वो ड्राइंग उतार रहे हैं दे आर राइटिंग वो लिख रहे हैं दे आर सिंगिंग वो गा रहे हैं अब उसके बाद हम देखते हैं बॉयज़ आर बॉयज़ आर स्माइलिंग लड़के मुस्कुरा रहे हैं बॉयज़ आर रीडिंग लड़के पढ़ रहे हैं बॉयज़ आर स्विमिंग इन अ टैंक लड़के टैंक में तैर रहे हैं बॉयज़ आर प्लेइंग विद द बॉल लड़के गेंद से खेल रहे हैं बॉयज़ आर लॉफिंग लड़के हंस रहे हैं बॉयज़ आर क्राइंग लड़के रो रहे हैं बॉयज़ आर ड्राइंग लड़के ड्राइंग उतार रहे हैं बॉयज़ आर राइटिंग लड़के लिख रहे हैं बॉयज़ आर सिंगिंग लड़के गा रहे हैं गर्ल्स आर लास्ट वन है गर्ल्स आर स्माइलिंग लड़कियाँ मुस्कुरा रही हैं गर्ल्स आर रीडिंग लड़कियाँ पढ़ रही है गर्ल्स आर स्विमिंग इन अ टैंक लड़कियाँ टैंक में तैर रही हैं गर्ल्ज आर प्लेंग विद द बॉल लड़कियाँ बॉल से खेल रही हैं गर्ल्स आर लॉफिंग लड़कियाँ हंस रही हैं गर्ल्स आर क्राइंग लड़कियाँ रो रही हैं गर्ल्स आर ड्राइंग लड़कियाँ ड्राइंग उतार रही हैं गर्ल्स आर राइटिंग लड़कियाँ लिख रही हैं गर्ल्स आर सिंगिंग लड़कियाँ गा रही हैं इस तरह से हमने पूरे पढ़ के सुनाए हैं आपको आपको इस तरह से लिखना है अब हम देखते हैं फोर नंबर जो है उसमें दिया गया है सॉल्ट एक्टिविटी और डेमो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम स्माइलिंग मैं मुस्कुरा रहा हूँ आई एम रीडिंग मैं हंस रहा मैं सॉरी पढ़ रहा हूँ उसके बाद हम देखते हैं नंबर फाइव प्रैक्टिस यानी इसको प्रैक्टिस किस तरह से करें रीड द चार्ट यानी चार्ट पढ़ो एंड फ्रेम एज मनी सेंटेंसेज एज़ यू कैन और इतने जुमले बनाओ जितने आप बना सकते हैं रीड अलाउड सेंटेंस दैट यू हैव फ्रेम्ड और उसे बुलंद अपनी जमात में अपनी क्लास में पढ़िए जो आपने वो जुमले बनाए हैं सेंटेंस बनाए हैं नंबर सिक्स एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और री इन्फोर्समेंट यानी हमने जो ऊपर की जो एक्टिविटी लिए हैं इसी के साथ साथ इसको थोड़ी तब्दील करते हुए इसको यानी इसमें जो है एक्सटेंस करते हुए इसमें इजाफा करते हुए या इसकी मुतवाजि पैरेलल यानी मुतवाजी एक्टिविटी हम क्या ले सकते हैं वो हमें लेना है जैसा कि यहाँ बताया गया है टेल द स्टूडेंट्स टू एड मोर मीनिंगफुल वर्ड्स इन बोथ द कॉलम्स एंड फ्रेम द सेंटेंसेस यानी तलबा से कहा जाए कि आपको जो है ये जो कॉलम ए वन और कॉलम टू दिया गया है इसमें और भी यानी जो है क्या करे वर्ड्स को इसमें बढ़ाए यानी ये यानी इसमें इजाफा करे ये वर्ड्स को यानी मीनिंगफुल वर्ड्स इसमें यानी शामिल करे और यानी फ्रेम करे सेंटेंस यानी यू मे एड वाज वेर इंस्टीट ऑफ़ एम इज आर इन द चार्टज एम इज आर जो है ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है तो इसे हम तब्दील कर सकते हैं किसे आ, वाज से वेर से यानी वाज यानी था वेर यानी थे तो अब यानी से आपको किस तरह से सेंटेंस बनाना पड़ेगा आई वाज़ स्माइलिंग आई के साथ वाज आता है ही के साथ वाज आता है शी के साथ वाज आता है और उसके बाद यू वी दे के साथ वेयर आता है और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर बॉयज़ दिया गया है गर्ल्स दिया गया है तो ये दोनों के साथ वेयर ही आएगा और उसके आगे अगर हम देखते हैं तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्माइलिंग मैं मुस्कुरा रहा था आई वॉज़ रीडिंग मैं पढ़ रहा था इस तरह से यानी आपको ये लेना है उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसे यानी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे कंडक्ट करेंगे अपनी क्लास में अपने यानी जो है इसकी प्रैक्टिस करके इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे इसे ज़बानी भी याद कर लेंगे इसे अपने जो है पेरेंट्स को सुनाएंगे इसे अपने जो है फ्रेंड्स को सुनाएंगे इसे अपने रिलेटिव्स को सुनाएंगे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी आपको इंग्लिश बोलने की मश्क होगी स्पोकन आप यानी जो है सीख पाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे जुमले यानी सीख ही आप जो है बड़े जुमलों की तरफ गामजन हो सकते हैं बढ़ सकते हैं आपकी जो है इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सकता है ऐसी उम्मीद करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए जो है शेयर करें दूसरों तक और बेल आकॉन्न पर क्लिक करके आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहें अगर हम हाँ आप ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारा हौसला और, और बढ़ता है और इससे हम यानी मज़ीद यानी वीडियोस बनाए बनाएंगे इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ कीजिए आप हमारे आपके लिए हम दुआ करेंगे अपना ख्याल रखिए बाय बाय गुड बाय नाइस डे अल्लाह हाफिज़